अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, पिछले दो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको चैप्टर वन सेट के बारे में आपको बताया था। आज तीसरा लेक्चर है, उसके अंदर आपके जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है आपको उसके बारे में आपको वजाहत करेंगे। मश्क शुरू करने से पहले हम इसमें कुछ सिंबल्स हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें पहला सिंबल आता है यूनियन का, सेकेंड साइन है इंटरसेक्शन का, थर्ड है डिफरेंस का, उससे नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, और उससे नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब देखें यूनियन के अंदर इसके जो लफ्जी मायने हैं वो है यूनियन मीन्स मुत्तहिद करना। जिन सेटों के अंदर साइन लगा हुआ यूनियन का हो या हमें यूनियन फाइंड करना हो, यूनियन के अंदर क्या होता है कि हम दो सेटों को मुत्तहिद करके ले जाते हैं। आसान से लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि उन सेटों को हम तरतीब से लिखते हैं तमाम के तमाम एलिमेंट को। अगर उसमें कोई एलिमेंट डबल यूज़ हो रहा हो दोनों के एतबार से, उसको हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे उसके अंदर। सेकेंड साइन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है कि हम जिन दो सेटों के बीच के अंदर इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ हो उनके अंदर हम जो एलिमेंट्स आपस में मैच कर रहे होंगे हम उन्हें उतार रहे होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स सेकंड सेट में मैच नहीं करते वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उतार रहे होते हैं। उससे नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का साइन किसी भी सेट के नेम के ऊपर शो हो रहा होता है, एक डैश के तौर पर या फिर छोटा सी यूज हो रहा होता है कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या होता है कि जिस भी चीज़ के ऊपर वो सिंगल एक सेट का नेम हो या कोई पूरी टर्म हो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन यूज हो रहा होगा, उससे मुराद क्या होता है कि जिस पर कॉम्प्लीमेंट है उसको माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से। डिफरेंस करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंस के इसी मेथड से होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि जिस पर कॉम्प्लीमेंट का साइन होगा उसको हम माइनस कराएंगे यूनिवर्सल सेट में से। उसके बाद ये एक नई चीज़ आई है मैट्रिक क्लास के अतबार से, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस 8 तक जो आपने मैथ सीखा उसके अंदर ये चीज़ साइन नहीं यूज हुआ था, मैट्रिक के अंदर आके फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है। सिमेट्रिक डिफरेंस से मुराद क्या होता है, जिन दो सेट के बीच के अंदर सिमेट्रिक डिफरेंस यूज हो रहा होगा उस दोनों सेटों के अंदर जो एलिमेंट्स आपस में मैच नहीं करेंगे हम उन्हें उतार रहे होंगे। दोबारा फिर देख लें, यूनियन के अंदर हम मुत्तहिद करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर जो दोनों में मिल रहा हो दोनों मैच कर रहा हो वो उतारते हैं, डिफरेंस के अंदर फर्स्ट सेट के अंदर जो चीज़ नहीं मैच करती है दूसरे के साथ उसे उतारते हैं, कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल में से, और सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर जो दोनों सेट्स के अंदर आपस में एलिमेंट नहीं मैच करते दोनों सेट्स के वो दोनों उतार दिए जाते हैं। अब अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 एक्सरसाइज के अंदर पहले उसने आपको उसकी वैल्यूज दे रखी हुई हैं। कह रहा गिवन दैट द सेट ए इज इक्वल टू एफ ए सी ई, एक आपको सेट दिया हुआ है ए जिसके एलिमेंट हैं एफ ए सी ई, सेकंड आपको सेट दिया बी का, उसमें कह रहा कि एंड बी इज इक्वल टू ई जी डी एफ, आर द सबसेट्स यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी, ये दोनों सेट सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ उसने आपको, वो है ए बी सी डी ई एफ जी।
लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा हुआ है वो क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने आपको समझाया जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम माइनस करते हैं यूनिवर्सल सेट में से, मीन्स यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट पहले आएगा और सेकंड सेट वो बाद में शो होगा। यूनिवर्सल सेट पहले है तो उसकी वैल्यूज भी आप पहले ही शो करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। सेंटर साइन कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम माइनस का साइन यूज करते हैं। ए के सेट क्या आपको मिले हुए हैं, एफ ए सी ई। माइनस का प्रोसेस वही जो डिफरेंस का होता है, जो एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं उन्हें आप कैंसिल कर दें, एफ ए सी ई। फर्स्ट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो आंसर बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट का। क्या बच गया है, बी डी और जी। इसका सेकंड क्वेश्चन है बी कॉम्प्लीमेंट, वो भी सेम इसी पैटर्न से होगा कि बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस बी, पहले यू का ब्रैकेट फिर माइनस फिर बी का ब्रैकेट, प्रोसेस सेम आपका यही होगा। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें आप लोग, थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल आपका ये क्वेश्चन है कि आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें। पहले ए की वैल्यू एफ ए सी ई इंटरसेक्शन, फिर बी की वैल्यू मिली हुई है ई जी डी एफ। कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन के अंदर जो दोनों सेट के अंदर रकमें मैच करेंगी वो आपका आंसर बनेगा। एफ मैच कर रहा है एक तो, और सेकंड ई मैच कर रहा है, तो आपका इसका आंसर बन रहा है ई एफ। क्वेश्चन नंबर फोर देखें इसके अंदर आप, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट है तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो रकम होगी पहले हम सॉल्व उसे करेंगे। अंदर क्या दे रखा है उसने आपको, ए यूनियन बी। ए की उसने आपको वैल्यू दे रखी हुई है एफ ए सी ई, कंडीशन है यूनियन की। बी मिला होगा आपको ई जी डी एफ। यूनियन के अंदर हम दोनों सेट को तरतीब से उतार देते हैं। आपके पास ए है सी है डी ई एफ और जी, ये मौजूद है इसके अंदर। अब ये आपका आंसर आया है ए यूनियन बी का। अब हम होल कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं, यू माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट आपका पहले है, जो इसकी वैल्यू वो पहले लिखी जाएगी ए बी सी डी ई एफ जी। माइनस जो आपका आंसर आया है ए यूनियन बी का, हम उसको इसमें से माइनस कर देंगे, वो वैल्यू है ए सी डी ई एफ जी। यहाँ काम वही माइनस का होगा, जो रकम मैच कर रही है उसे कैंसिल करते जाएंगे, ए सी डी ई एफ जी, सिर्फ आपका बी बचा है। आंसर लिखते के वक्त अब आप दोबारा वही जो आपका असल सवाल था वो लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और इसका आपका आंसर आया है सिंपल बी, ये इसका आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर फाइव देखें इसके अंदर आप, उसके अंदर कुछ उन्होंने चेंजिंग की हुई है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसी कंडीशन, ये ओपन कंडीशन है, इसके अंदर बी पर कॉम्प्लीमेंट है, ए पर साइन कुछ भी नहीं है। तो पहले हम बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल यू माइनस बी। यू की वैल्यू आपको मिली हुई है इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी।
माइनस बी की वैल्यू आपके पास है ई जी डी एफ, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर बन रहा है आपका ई जी डी एफ को कैंसिल करेंगे तो बाकी बच जाएगा हमारे पास ए बी सी बच गया। ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर और ए, इन दोनों का मालूम करेंगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपके पास ए की वैल्यू है एफ ए सी ई इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट का आपका आंसर आया है ए बी सी। इन दोनों वैल्यूज़ का अब हम लोग मालूम कर रहे हैं इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है इसके अंदर। एक तो आपका ए मिल रहा है, सेकंड आपका सी मिल रहा है इसके अंदर, ए और सी आपका आंसर इसके अंदर हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, वो सवाल काफ़ी अहम सवाल है क्योंकि आगे कुछ सवाल आ रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह या कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर इस सवाल का बड़ा अमल दखल है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आसान से लफ्जों में समझ लें कि ये एक सवाल में तीन सवाल है, हमें पहले मालूम करना पड़ेगा ए कॉम्प्लीमेंट, फिर मालूम करना पड़ेगा बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों के जो आंसर आएंगे उनका निकालेंगे इंटरसेक्शन निकालेंगे। हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए, यू केवल ये आपको मिली हुई है ए बी सी डी ई एफ जी माइनस, ए की वैल्यू आपके पास है एफ ए सी ई, एफ ए सी ई आप कैंसिल हुआ तो ए का आंसर आपके पास बन रहा है बी डी जी। अब सेकेंड स्टेप में मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर बी को माइनस कराएंगे यूनिवर्सल से, यू माइनस बी, जो आपका ए की वैल्यू है वो लिखें ए बी सी डी ई एफ जी माइनस, बी की वैल्यू आपके पास है ई जी डी एफ, ई कैन ई जी डी एफ आपके पास कैंसिल हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट का जो आपका आंसर बना है वो है ए बी सी। अब जो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया, अब इन दोनों के आंसर का हम मालूम करेंगे इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का आपका आंसर था बी डी जी इंटरसेक्शन, बी की वैल्यू आपकी आई है ए बी और सी, इन दोनों के अंदर जो आपका जो वैल्यूज मैच करेंगी वो आपका आंसर बनेगी। बी मैच कर रहा है एक आंसर और डी और जी मैच नहीं किया, इसलिए खाली आपका बी आपका आंसर इसके अंदर हो गया। तो 1.2 का जो फर्स्ट पार्ट था, मैंने जो उसमें ख़ास ख़ास बातें थी मैंने आपको ब्रीफ की, इसके हवाले से कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मालूम कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर। अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई।